गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, फूड वी ईट लेसन के अंतर्गत आज हम उसी के आगे जहां कल ख़त्म किए थे पेज नंबर 38 से शुरू करेंगे। 38 पेज में विपुल्स फैमिली की स्टोरी है, इसको हम लोग समझते हैं और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इन विपुल्स फैमिली There are some members who do not eat what Vipul eats. Vipul के फैमिली में कुछ ऐसे members हैं जो कि वो चीज़ नहीं खाते हैं जो Vipul खाता है। मैंने कहने का मतलब यह कि जो Vipul खाता है उसको विपुल की फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं खाते हैं। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट? क्या आप ये समझते हैं कि वो उसको खाते नहीं हैं या खा नहीं सकते हैं? वॉट विपुल ईट्स, विपुल क्या खाता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विपुल खाता है और वो उसको खाते नहीं हैं या खा नहीं सकते हैं? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। आइए हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉब। घर से स्कूल से घर वापस लौटते समय विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। बच्चों, भुट्टा आप जानते हैं कि मक्के का होता है जो कि मकई कहते हैं उसके दाने को, जिसको कि वो उसके तने पर लगा होता है उसको भुट्टा कहते हैं, कॉर्न कॉब बोलते हैं उसको। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर। वो घर पहुंचा और अपनी माँ से कहा उसने, वेयर इज छुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। छुटकी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। His mother replied, उसकी माँ ने उत्तर दिया, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स। छुटकी ऊपर के रूम में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा, You also कम अपस्टेयर्स विद मी, आप भी मेरे साथ ऊपर चलें। विपुल अपनी दादी से कहता है हाथ पकड़ करके कि आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माँ उसे रोकती हैं और कहती हैं, आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, कि मैंने बा के लिए मैंने दादी के लिए रोटी जो है दाल में भिगोई है, भिगो करके रखी है ताकि वो सोख जाए और वो उसको खा सकें। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उनको खाना खाने दो तब उनको ले जाओ। हैव यू पुट शुगर इन दाल, क्या आपने दाल में चीनी डाली है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन Our own way of making food, said Dadi to Vipul's mother. Dadi ने विपुल की माँ से कहा कि क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? After coming to Nagpur, माने नागपुर से आने के बाद से तुम तो माने अपने तरीके का खाना बनाने का, जैसा कि वो नागपुर में खाना बनाते हैं तो दाल में चीनी थोड़ा डाली जाती है, डालते हैं वो लोग, तो तुम तो वो डालना ही भूल गई हो। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की माँ ने कहा कि मैंने दाल को चखा है, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, यह बहुत अच्छे से बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। विपुल ने अपनी दादी का की प्लेट को पकड़ा, माने उठा करके, और सीढ़ियों से ऊपर
चढ़ गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उसने उनसे कहा कि वो उसके पीछे पीछे जल्दी से आए। When I was your age, I could run up a hill in same time, said दादी। दादी ने कहा कि जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम पहाड़ियाँ चढ़ जाते थे, ऑफ द सेम टाइम, इन द सेम टाइम, मैंने उसी समय में हम पहाड़ियाँ चढ़ जाते थे जितने में तुम ये सीढ़ियाँ चढ़ते हो। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। विपुल ने अपना भुट्टा दिया, ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, वो अपनी मामी को भुट्टा खाने के लिए दिया। वॉश्ड हिज हैंड एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी, अब उसने अपने हाथ धोए और छुटकी को गोद में उठा लिया। छोटी सी 4 माह की बच्ची थी जिसको कि उसने अपनी गोद में उठा लिया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक छुटकी रोने लगती है। शी इज हंग्री, सेड मामी, मामी ने कहा कि वो भूखी है। शी सेट डाउन टू फीड छुटकी, और उसी समय मामी जो है बैठ जाती हैं और छुटकी को दूध पिलाने लगती हैं। तो बच्चों ये थी विपुल की फैमिली की कहानी, और हम अब इस पर बेस्ड कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, दादी जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने में सफल क्यों नहीं, कहीं क्यों नहीं चढ़ सकी, क्यों नहीं चढ़ पाई। बिकॉज, क्योंकि वो ओल्ड एज थी, सयानी थी, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, तो वो विपुल की तरह नहीं चढ़ सकती थी। बिकॉज, तो आंसर होगा बच्चों, बिकॉज दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइम द स्टेयर्स, दादी इतनी सयानी हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी कि वो स्टेयर्स में उसकी तरह नहीं चढ़ सकती थी, वो अपने हिसाब से धीरे धीरे चढ़ती। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी कैसी दाल पसंद करती थी। तो आंसर होगा बच्चों, आपको अभी एक कहानी में बताया कि वहाँ नागपुर की थी वो, और वहाँ पर दाल में थोड़ा चीनी डालते हैं, तो आंसर ये होगा बच्चों, दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल, माने अपनी दाल में वो थोड़ा सा चीनी पसंद करती हैं। शी बिलोंग्स टू नागपुर, वो नागपुर की रहने वाली हैं, वो नागपुर में रहती हैं, एंड पीपल इन नागपुर, और नागपुर के लोग पुट सम शुगर इन दाल, और वो नागपुर के लोग दाल में थोड़ा चीनी डाल देते हैं। तो ये आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी पर्संस इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई, अब उसमें देखिए बच्चों कितने लोगों की चर्चा हुई थी, विपुल हैं, विपुल की मम्मी हैं और विपुल की मामी हैं, 3 लोग हैं, तो उनमें और विपुल की दादी हैं, विपुल, विपुल की मम्मी, विपुल की दादी और विपुल की मामी, 4 लोग हैं। तो अब इन लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आसानी से भुट्टा खा सकते हैं और क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पर्संस इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई, कहानी में कितने लोग हैं जो कि आसानी से भुट्टा खा सकते हैं और क्यों। तो आंसर होगा बच्चों, इन द स्टोरी विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट भुट्टा ईजली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ, क्यों, क्योंकि वे यंग हैं, नवयुवक हैं, नौजवान हैं, इसलिए उनके दांत और उनके दांत हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, दांत उनके टूटे नहीं हैं, जो सयाने हो जाते हैं उनके दांत गिरने लगते हैं।
तो बाकी जो उनकी दादी हैं उनके दांत तो सब गिर गए हैं, स्यानी हो गई हैं, इसलिए वो नहीं खा सकती हैं, बाकी तीनों लोग भुट्टा खा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं और क्यों? तो आंसर होगा बच्चों नो, नहीं, सभी लोग बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वो भुट्टा नहीं खा सकते हैं। वो भुट्टा जो भूनने के बाद वो भुट्टा कड़ा हो जाता है। बिकॉज ओल्ड पीपल यूजुअली हैव वीक टीथ, हैव वीक टीथ माने उनके दांत कमज़ोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर फोर मंथ्स ओल्ड छुटकी वी हैव ओनली हर मदर्स विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क दैट इज हर ओनली फूड वाई। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि माने चार महीने की छुटकी के लिए उसकी माँ का दूध ही उसका भोजन है, दैट इज हर ओनली फूड, वही उसका अकेला भोजन है। क्यों बच्चों? चार महीने की बच्ची है वो, उसकी विपुल की बहन, तो उसके चार महीने के बच्चे के दांत तो होते नहीं हैं। तो ये आंसर होगा बच्चों इसका कि बिकॉज फोर मंथ्स ओल्ड बेबीज डू नॉट हैव टीथ माने उसके दांत नहीं होते हैं, सो दे फीड ऑन मिल्क ओनली, इसलिए वे केवल दूध ही पीते हैं और माँ का दूध सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है छोटे बच्चों के लिए। एंड मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर देम और उनके लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा है, सबसे सुरक्षित है, सबसे अच्छा है। आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर 30 में ये टेबल है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल, अपने माने आप लोगों को भरना है कि कौन क्या खाता है और कौन क्या नहीं खा सकता है। चाइल्ड में क्या है, वो छोटे बच्चे हैं जो गोद में, जैसे उनकी माने विपुल की बहन है छुटकी, वो दूध खा सकती है, दूध पी सकती है, खीर खा सकती है, खिचड़ी खा सकते हैं और दाल पी सकते हैं। और वो क्या नहीं खा सकते, व्हाट कैन दे नॉट ईट, वे क्या नहीं खा सकते, भुट्टा नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, हार्ड फ्रूट्स नहीं खा सकते, कड़ा जो भोजन होता है जैसे सेब होता है इसको नहीं खा सकते, कड़ा होता है, उनके दांत होते नहीं हैं। एंड यंग, अगला है यंग, जो यंग हैं नौजवान है, जैसे उनकी माँ है, मामी है, तो ये सब कुछ खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दांत मजबूत होते हैं। एवरीथिंग, और क्या नहीं खा सकते, देयर इज नथिंग दे कैन नॉट ईट माने कोई सी ऐसी नहीं जो कि वो नहीं खा सकते, माने वो सब कुछ खा सकते हैं। ओल्ड, अब जैसे उनकी दादी हैं, वो क्या चपाती, वो क्या करती थी, दाल में चपाती माने भिगो करके खाती हैं ताकि मुलायम हो जाती है चपाती, सोक्ड इन दाल, और क्या खा सकते हैं वो, खिचड़ी, मैश्ड पोटैटो माने उबाल करके उसको मल करके उसको मिला दिया जाता है, उसको मैश करना कहते हैं, तो आलू को वो मैश करके खिलाया जाता है। आगे क्या नहीं खा सकते, ये हार्ड फूड्स नहीं, कड़ा भोजन नहीं खा सकते, जैसे भुट्टा नहीं खा सकते और माने उसकी बाजरे की रोटी नहीं खा सकते, कड़ा होता है, तो हार्ड फूड्स भुट्टा नट, हार्ड फूड माने कड़ा भोजन जैसे बाजरे की रोटी, चने की रोटी, ये सब नहीं खा सकते। आगे देखिए बच्चों, सो दिस वाज अबाउट थिंग्स व्हाट दैट वी कैन और कैन नॉट ईट माने ये वो चीज़ें हैं कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, किस उम्र में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल थिंग्स,
दैट वी कैन ईट, क्या हम वो सभी चीज़ें खाते हैं जो कि हम खा सकते हैं? नहीं बच्चों, सब हर क्षेत्र के हर तरीके के लोगों के अपने अपने खाने की अलग अलग आदतें होती हैं। कोई नॉन वेज खाता है, कोई साउथ का है तो वो चावल से बनी चीज़ें खाते हैं। माने बच्चों, खाने में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों की जो आदतें हैं वो वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे नॉर्थ के लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, कड़ू के तेल का इस्तेमाल करते हैं, सरसों के तेल का, और दक्षिण में चले जाइए तो वहाँ नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माने नारियल के पेड़ खूब हैं, इसलिए वहाँ नारियल का तेल आसानी से उपलब्ध है, इसलिए उसको खाने में और हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में बच्चों, यहाँ उसके पेड़ नहीं है नारियल के, और यहाँ पर खेतों में सरसों खूब होती है, इसलिए उसको उसका तेल निकाल करके उसके तेल को खाने में और हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट, माने उस चीज़ों में डिस्कस करते हैं जो कि हम खाते हैं, अक्सर करके खाते हैं, और जिनको कभी कभी खाते हैं। अब देखिए, वो तो उसमें सर्किल बनाना है आपको। तो पहला है बच्चों राइस, चावल। चावल हम अक्सर खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ईट राइस। और इसके बाद वीट, गेहूँ, माने गेहूँ की रोटियाँ हैं, ये अक्सर साल भर हम लोग खाते हैं। कभी पूड़ी बना के खाते हैं, कभी पराठा बना के खाते हैं। बार्ले, बाजरा। बाजरा क्या है बच्चों, ये इसकी भी रोटियाँ बना करके खाते हैं, लेकिन साल भर नहीं खाते हैं, सिर्फ ठंडी के सीजन में जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है उस समय ये बाजरे की रोटियां खाते हैं, बाजरे की बनी चीज़ें खाते हैं। ओट्स, ये बेटा वो बच्चों ये हर जगह नहीं उपलब्ध होती है, इसलिए ओट्स को भी ना हर समय खाते हैं ना हर जगह खाई जाती है। मेज, मक्का। मक्का भी उसी तरीके से बच्चों जैसे कि बार्ले होती है, मक्का भी माने बरसात के सीजन में होता है, और इसका ज़्यादातर मेज कॉप से इसके भुट्टे को भून करके और खाते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। मिलेट, मिलेट माने वही बाजरा, जैसे बार्ली जौ होता है और बाजरा होता है, इन सबको माने कम खाया जाता है। कप्पा, जिसको टैपियोका कहते हैं, साबूदाना हिंदी में कहते हैं। बच्चों ये साबूदाना हर जगह नहीं होता है, तो जहाँ होता है वहाँ इसको वहाँ के लोग खाते हैं, हर जगह ये नहीं खा होता, तो वहाँ पर वो लोग लगा सकते हैं, इसमें आप माने सर्किल बना सकते हैं। रागी, रागी होता है जिसमें इसका माल्ट होता है, उसको जो आप हर जगह नहीं खाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग, हमारे ज़्यादातर जो भोजन है वो इन्हीं चीज़ों से मिल करके बनते हैं। डिपेंडिंग ऑन वीट ऑन वॉट ग्रोज ईजली एट विच प्लेट्स, माने कहाँ पर कौन सी चीज़ें उगती हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा भोजन माने वही चीज़ें हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं वहाँ पर चावल से बनी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, और तेल के रूप में नारियल का तेल यूज़ इस्तेमाल होता है क्योंकि उधर नारियल के पौधे पाए जाते हैं। और उत्तरी भारत में ज़्यादातर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उत्तर भारत में सरसों ज़्यादा होती है, तो उसका तेल निकाल करके। तो इस प्रकार से कि वहाँ पर उसके जो खाने की जो आदत है वो डिपेंड करती है कि वहाँ पर क्या उगता है। प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेस, माने अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों पर खाई जाती हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।